वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलप पॉडकास्ट। आज हम जिस मौजू पे गुफ्तगू करने लगे हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी है। ईयर 2019 में पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज तकरीबन 300 बिलियन डॉलर का था। इकॉनमी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 28th लार्जेस्ट इकॉनमी है। पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से 6th लार्जेस्ट है, मगर इकॉनमी के लिहाज से 28th लार्जेस्ट है। अगर 70 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए हैं, अगर हम उसको देखें तो तकरीबन 3-4% की ग्रोथ रेट के ऊपर पाकिस्तान जो है वो तरक्की करता रहा है, जो कि दीगर ममालिक से कंपेयर करें तो बहुत बुरी नहीं है। पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी, अब एक सर्विसेज इकॉनमी बन चुकी है, जिसमें एक लार्ज प्रोपोर्शन एक्सपोर्टर्स का है, मतलब बहुत सा बड़ी प्रोडक्शन जो है वो लोकली ही होती है। तो इस इकॉनमी के ऊपर अगर हम 70 साल का जायजा लें तो हमारे साथ डॉक्टर एजाज गिलानी, हम उनसे राय लेंगे कि इनकी राय में पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में इनका ओवरऑल ख्याल क्या है कि क्या पाकिस्तान में 70 साल में इकॉनमी के लिहाज से कैसी कारकर्दगी रही, और अगर कोई एक ऐसी चीज़ जो उनको नज़र आती है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी जिस चीज़ में अच्छी नहीं रही, या वो एक वजह ऐसी क्या है कि जिसकी वजह से कारकर्दगी इससे बेहतर हो सकती थी, तो हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने जो तारुफ करवाया मैं वहाँ से ही बात आगे बढ़ाता हूँ, और आपने अच्छी मालूमात दिलचस्प दी है कि पाकिस्तान दुनिया की कोई 200 इकॉनमीज़ में से 200 ममालिक में अपनी इकनॉमिक हैसियत में 28वें नंबर पे है, कहीं 30वें पे गए, लेकिन इसके बावजूद एक पसमानदा मुल्क माना जाता है, गरीब मुल्क माना जाता है। तो ये क्या वजह है कि वैसे 200 में इसका नंबर तो 30 है लेकिन फिर भी हम इसको पसमानदा कहते हैं? उसकी बुनियाद ये होगी कि आबादी में तो हम 5वां बड़ा है, तो ये जो एक तजाद पाया जाता है कि आबादी में हम 5वां बड़ा है और अपनी इकॉनमी की हैसियत में हम 30वां हैं, ये जो तजाद है यही आपके सवाल का जवाब है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन हर शख्स के पास थोड़े वसाइल हैं और इसकी पैदावार भी मिलजुल के तो बहुत हो जाती है, लेकिन किसी एक फर्द की औसत पैदावार कम है। क्या आप प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं कि एक शख्स किस हद तक एक साल में प्रोड्यूस करते हैं? तो एक शख्स किस हद तक प्रोड्यूस करता है एक साल के अंदर, ये बहुत थोड़ा है, या ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही थोड़ा प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादातर प्रोडक्शन चंद लोगों की तरफ से आती है, या ये कि जहाँ लोग हैं वहाँ काम नहीं है और जहाँ काम है वहाँ लोग नहीं हैं। मुझे कोई एक वजह अगर बतानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में मर्ज क्या है, क्या वजह है कि वो आबादी में 5वीं बड़ी है, मीशत में भी 30वीं बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद मरीज समझी जाती है, तो मर्ज ये है कि आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को प्रोडक्शन के अमल में शिरकत के मौके नहीं है। इसी मर्ज के अगर हम मजीद असबाब तलाश करें तो उनमें पहला सबब ये होगा कि मौके फराहम करने के लिए कोई तंजीमी ढांचा होना चाहिए, तो 22 करोड़ के लिए एक बहुत बड़े तंजीमी ढांचे की जरूरत है, लेकिन तंजीमी ढांचे की सलाहियत 2 करोड़ के लिए तो शायद मौजूद है, 20 करोड़ बगैर तंजीमी सलाहियत के रह जाती है। यूजुअली जो बात की जाती है वो ये कि पाकिस्तान में हुकूमत जो एक तंजीमी ढांचे का एक तरह से नाम है, सही, वो हुकूमत तो गली कूचे में भी है, आवाम की और बिजनेसेस की जान को मुश्किल कर रही है, इस हद तक फैली हुई है। कुछ लोगों ने इसको एक ओवर डेवलप्ड स्टेट भी कहा, मगर आप इससे इख्तलाफ कर रहे हैं, आप कुछ ऐसे कह रहे हैं जैसे स्टेट या इंतजामी ढांचा जो है वो मजबूत नहीं है। मेरे ख्याल में उसकी जो जोग्राफियाई गिरफ्त है
वो बहुत ही महदूद है, तो 80% उसकी तंजीमी सलाहियत से बाहर है और मुश्किल 20% उसकी तंजीमी सलाहियत के अंदर है। यही वजह है कि उस 20% को वो गिरफ्त जरूरत से ज़्यादा सख्त नज़र आती है और 80% किसी तरह की भी तंजीमी सलाहियत के फवायद से महरूम है। उस 80% को उस तंजीमी सलाहियत की दहशत या हैबत तो है लेकिन फ़ायदा नहीं है, बल्कि उस हैबत की वजह से वो कौमी धारे में शामिल होने से भी महरूम है। इसको अगर आप किसी हद तक प्रोफेशनल ज़बान में कहें तो वो ये कि जब रिसोर्सेज को टैप किए जाएं तो ज़ेर ज़मीन रिसोर्सेज सतह पे आ जाती है और इकोनॉमिक अमल बदस्तूर ज़ेर ज़मीन वसाइल ही को सतह पे लाने का नाम है। तो वो फसलें कि जो ज़मीन के अंदर है उसको जब कोई काश्तकार मिल जाए वो उसे उसकी ज़मीन को सीधा करे, उसको पानी दे, उसमें बीज डाले, उसकी हिफाजत करे, फिर उसको काट ले, तो वो है तो सब कुछ ज़ेर ज़मीन है लेकिन उस ज़ेर ज़मीन को वो बाहर ले आता है। अब इसी मिसाल को मुल्क के बाकी वसाइल पर भी लगाएं तो ये अनटैप्ड को टैप करने का नाम है। जो तंजीमी सलाहियत है वो इसको टैप करती है। ऐसे ममालिक के जो आबादी में बहुत छोटे हों वहाँ ये रियासत की तंजीमी सलाहियत से भी ऐसा हो सकता है अगर वो ऐसा करना चाहे, लेकिन जिन ममालिक की आबादी बहुत ज़्यादा है जैसे पाकिस्तान की जो बरतानिया की आबादी से तकरीबन 4 गुना है, जो स्विट्ज़रलैंड की आबादी से 20 गुना है, जो नॉर्वे की आबादी से 40 गुना है, ऐसे मुल्क में अनटैप्ड रिसोर्सेज को टैप करने के लिए हुकूमत के अलावा दीगर तंजीमी इंतजाम को के पास सलाहियत होनी चाहिए। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का पहला मसला ये है कि इसमें ज़ेर ज़मीन या अनटैप्ड वसाइल बहुत हैं, उसको टैप करने के लिए तंजीमी सलाहियत